अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आसिफ बेग ऑफिशियल्स यूट्यूब। मैं हूँ आसिफ बेग। ये चेक करें, जीका गली का सुबह सुबह का मंज़र है, बहुत प्यारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़े का मौसम है। नवंबर की आज 8 तारीख है 2023। चेक करें, कंस्ट्रक्शन के पहाड़ चेक करें। यकीन करें, तकरीबन 3-4 साल बाद मड़ी का चक्कर लगाया तो इंतहा से ज़्यादा यार कंस्ट्रक्शन है। ये होटल 4 साल पहले जब मैं आया था उस टाइम पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि स्टार्ट हुआ था। तो अभी देखें उन्होंने कंप्लीट करके कितना बड़ा बुर्ज अल सफ़र होटल अपार्टमेंट एंड रेस्टोरेंट। तो रास्ते में भी इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखी है, मार रोड के ऊपर रास्ते में हर जगह जगह पे मरी में, कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसे देख के वो दिल दुखा यार, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। और ये सारी पिछले 5 साल में हुई, पीटीए के दौर में स्टार्ट हुई थी, तब से अभी तक चल रही है। जब नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सख्ती से बैन किया हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। लेकिन 5 सालों में यकीन करें मड़ी का हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने। इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, इतनी आप सोच नहीं सकते। मैं टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए वीडियो टोटली नहीं कर सका इसके ऊपर, तो लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। ये चेक करें, एक ये नया बना है, इसके बाद एक ये बन रहा है अभी एक ही जगह, और ये सारा अभी तक कंप्लीट, कुछ कंप्लीट है कुछ अभी बन रहा है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा है। ये रिचबिल रोड है, ये जीका गली से सीधा ऊपर आते हैं, रिचबिल रोड है, बहुत प्यारा रोड था किसी वक्त में, बहुत ज़बरदस्त मंजर था इसके ऊपर, लेकिन अभी सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक वो देखें, वो भी बन रहा है अभी पीछे, ये पीछे गरियाल कैंप है और बीसी बोरबन और मुजफ्फराबाद का रोड है, इधर नथिया गली यूबिया पटरेट यूबिया और ये पटरेटा और इस्लामाबाद और ये एक्सप्रेस वे हमारी का मंजर है।